आप सभी को मेरा नमस्ते। और फ्रेंड्स, आप सबने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। मैंने भी अच्छे से मनाई है और मैं आपको यही दिखाऊंगी कि मैंने कैसे डेकोरेट किया इस दिवाली में। तो ये रंगोली मैंने बनाई है और बिना फ्रेम के बनाई है। बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको बताऊंगी फिर कभी कि ये कैसे बनाई है। लेकिन बहुत साल बाद मैंने रंगोली सजाई है और इसमें फ्लोटिंग दिए और गुलाब की पंखुड़ियाँ इस उर्ली में ताली है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए कुछ पेंटेड दिए जो मेरी बेटी ने पेंट किए हैं और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन इस पर बनाया है। और मैंने बनाई है कंडील, एक लाइट की जो लाइट होती है उसको मैंने अलग अलग तरह से यूज़ किया है। जैसे इसमें कंडील लगा दिए हैं, कुछ पर मैंने फ्लावर्स लगा कर डेकोरेट कर दिए है और कुछ बचे हिस्से पर देखिए ये बर्ड हाउस के अंदर डाल दिए है, तो ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है। और कुछ लाइट्स को मैंने अपने प्लांट्स के ऊपर डाल दिए है। और ये देखिए दूर से कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटी छोटी सी कंडील बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये कभी मैंने स्कूल टाइम में सीखा था और DIY करके मैंने फ्लावर्स भी बना दिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में। और ये दिए मार्केट से लिए, लोकल मार्केट से। एक प्लांटर भी बनाया मैंने और अपनी बबुशका डॉल को भी इधर सजा दिया है। और गमले पर मैंने देखिए कैसे सजा दिया है इसको लेसिस से, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और ये पुराने ग्लासेस को मैंने टी लाइट होल्डर बना दिया है। इसके ऊपर मैंने पेंट यूज़ किया है और नेल पेंट, और एक ग्लास के ऊपर मैंने ग्लास कलर का इस्तेमाल किया है। और दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बनाना भी बहुत आसान है। और इसके अंदर मैंने फ्लोटिंग लाइट डाली है आधा ग्लास पानी भरकर। ये लाइट भी देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ये एक बल्ब है और ये लाइट जो है सारी लाइट को मात दे रही है। और ये देखिए दीवार पे कितना सुंदर डिज़ाइन बन रहा है। ये अलग अलग डिज़ाइन बनाती हैं, ऐसे बल्ब अलग अलग तरह के होते हैं और एक ही काफ़ी है डेकोरेशन के लिए। सारी लाइट उसके आगे फीकी पड़ गई हैं। और ये है टी लाइट होल्डर जो कि मैंने अमेजोन से ख़रीदे थे। ये राजस्थानी वर्क है, इसके ऊपर इस तरह का मेरे पास एक पहले से ही लैम्प शेड है और वो बहुत ही बड़ा है। तो ये देखिए, और ये मैंने बॉल के अंदर, फिश बॉल के अंदर लाइट लगाकर सजाया है। और ये बॉटल लाइट और कुछ टी लाइट, टी होल्डर्स में मैंने लाइट लगा के इसको डेकोरेट किया है। मेरा गुजराती हैंगिंग प्लांटर विद लाइट जो कि खास तौर से मैंने दिवाली के लिए ही बनाया है। और ये लगा हुआ बहुत सुंदर लग रहा है और मेरे घर आने वाले गेस्ट इसकी बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। और किसी ने तो ये भी पूछा कि कहाँ से लिया है। तो इस प्लांटर की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है मेरे ड्राइंग रूम में। आप बॉटल लाइट्स को किसी भी बॉटल में लगाकर ऐसे सुंदर बना सकते हैं। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई है, वो एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। और ये देखिए लाइट जो कि मैंने छत पर भी लगा दी है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये डेकोरेशन ज़रूर बताएं। और दिवाली की भागम भाग में हम थक गए होंगे, अब हमें करना चाहिए थोड़ा सा आराम।
अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।